आप में से कौन कौन शीशे में देखता है कि हाउ एम आई लुकिंग टुडे? हाउ एम आई लुकिंग टुडे, है ना? सो वी कीप चेकिंग कि हाउ एम आई लुकिंग टुडे. और सिर्फ सुबह नहीं चेक करते, दिन में बीच बीच दिन चेक करते रहते हैं. मार्केट में घूमते घूमते भी किसी के भी शीशे में देखते हैं. विच इज ओके, इट्स फाइन. इंटेंशन क्या है? इंटेंशन क्या है? नीट, क्लीन, टाइडी. ऐसे नहीं बाल कुछ भी हुए हैं, कपड़े कुछ भी हुए. इट्स नॉट गुड संस्कार. नीट, क्लीन, टाइडी. लेकिन नीट, क्लीन, भाई साहब इधर आना बस, नहीं तो सब आपकी तरफ देखेंगे. नीट, क्लीन, टाइडी, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ हाउ आई लुक, बट नीट, क्लीन, टाइडी इन टर्म्स ऑफ हाउ आई फील. वो कहाँ चेक करेंगे? लुक तो शीशे में दिखेगा, हाउ आई एम फीलिंग टुडे वो कहाँ दिखेगा? हाउ आई एम लुकिंग टुडे वो शीशे में दिखता है, हाउ आई एम फीलिंग टुडे वो कहाँ दिखेगा? तो उसको देखेंगे किधर? हमारा रिएक्शन, बिहेवियर. और कई बार वी कुड बी नॉट फीलिंग नाइस बट बिहेवियर कुड बी परफेक्ट, तो वो बिहेवियर में भी पता नहीं चलने वाला है. कहाँ दिखेगा? लुकिंग इम्पोर्टेंट है या फीलिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट है? फीलिंग ज्यादा. जब हमें ये पता है तो जितना टाइम हम खुद के शरीर को तैयार करने के लिए लगाते हैं, फिर उसको बीच बीच में भी ठीक करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं. अगर उसका 10% टाइम भी हम यहाँ ठीक करने में लगाएंगे, तो फिर चेहरे पर वो साफ दिखाई देना शुरू हो जाएगा. हाउ यू आर फीलिंग इनसाइड ऑल्सो कैन बी सीन इन द मिरर. अब सिर्फ फर्क ये है कि जब शीशे में देखें तो ये ना देखें हाउ माई फेस इज लुकिंग, आप ये देखें कि मेरे मन की क्या स्थिति है जो मेरे चेहरे पे दिखाई दे रही है. चिंता है वो भी कहाँ दिखाई देगी? चेहरे पर. दर्द है कोई, वो भी कहाँ दिखाई देगा? चेहरे पर. दुख है, वो भी दिखाई देगा? चेहरे पर. खुशी है, वो भी कहाँ दिखाई देगी? चेहरे पर. तो चेहरा भी देखना है, शीशे में देखना है, लेकिन ये देखना है हाउ एम आई फीलिंग टुडे. एक बार वो देखना शुरू कर दिया, आपको थोड़ा सा भी यहां का शिफ्ट यहां दिखाई देना शुरू कर जाएगा. और जब यहां पे वो शिफ्ट दिखे तो फिर चेक कर लेना क्या चल रहा था अंदर जो चेहरे पे आज डिफरेंट दिखाई दे रहा है. क्योंकि अगर फीलिंग को चेंज नहीं किया तो वो जो फीलिंग्स प्लेजेंट नहीं है वो ओवर अ पीरियड ऑफ अक्यूमुलेट 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 अक्यूमुलेट. चेहरे को भी दिन में 2-3 बार धो ही लेते हैं, हाथ को तो कितनी बार धो लेते हैं, लेकिन मन पे जो अक्यूमुलेट हो रहा है उसको कब धोएंगे? और उसके लिए हम कहते हैं ये वाली बात तो मैं कभी नहीं भूलूंगी, विच मीन्स धोने का मेरा कोई इंटेंशन ही नहीं है. और कोई कहे भी कि भूल जाओ तो कहते भूल ही नहीं सकती, बात ही इतनी बड़ी थी. कितनी बड़ी थी बात? बात कितनी बड़ी थी? कितनी बड़ी होती है बात?
जितना हम बोलेंगे ना, इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी थी, हमारा मन कहेगा हाँ मैं बहुत छोटी, बात बहुत बड़ी। बात कितनी बड़ी होती है, बात कितनी बड़ी होती है, जितने हम कमजोर होते हैं उतनी बात बड़ी होती है, जितने हम पावरफुल होते हैं बात उतनी छोटी होती है। जैसे ही हम कहेंगे बात इतनी बड़ी थी, वी आर सेइंग आई डोंट हैव द पावर, एंड व्हेन आई से टू माय सेल्फ आई डोंट हैव द पावर, देन आई डोंट हैव इट। एंड इफ आई जस्ट क्रिएट वन थॉट सेइंग ठीक है हो गया, उन्होंने जो करना था कर लिया, आई हैव द पावर, इंस्टेड ऑफ सेइंग ये तो मैं कभी नहीं भूलूंगी, इसे मैं भूल गई। नहीं भी भूले ना तो भी बोलना शुरू करो। इट डिपेंड्स ऑन वॉट यू आर टेलिंग योर माइंड। अगर आप अपने मन को बोलते जाएंगे नहीं मैं भूलूंगी, नहीं मैं भूलूंगी, नहीं मैं भूलूंगी, तो मन उसको पकड़ के संभाल के रखेगा। बीच बीच में आपको वो बात को क्या करता रहेगा, याद दिलाता रहेगा, क्योंकि आपने उसको क्या कहा था, पकड़ के रखना अच्छे से, भूलना मत। क्योंकि मैंने क्या डिसाइड किया है कि इसको मैंने नहीं भूलना है, वो नहीं भूलेगा। अब यही आप उसको बोलना क्या शुरू कर दो, बोलो काम की बात ही नहीं है ये बात कोई काम की है ही नहीं, फिर वो फिर सुनाने आएगा, पता है उन्होंने क्या किया, फिर क्या बोलेंगे उसको। अब अपने मन को यहां बिठाओ साथ वाली कुर्सी पे, और आपकी साथ वाली कुर्सी पे कोई बैठा है जो इधर उधर की पुरानी बातें कर रहा है सिर्फ, आप उसको क्या कहेंगे, आप उसको क्या कहेंगे। वो कहेंगे पिछले साल पता है क्या हुआ था, 5 साल पता है पहले उन्होंने क्या कहा था, आप उसको क्या कहेंगे साथ वाला जो बैठा है आपके। आप कभी अपने साथ वाले को कहते हैं भूलना मत, तो भूलना मत, पकड़ के रखना ये बात को, कभी ऐसा कहेंगे, हम क्या कहेंगे उनको, क्या कहेंगे उनको, फॉरगेट इट। हाँ वो कहेगा नहीं नहीं कैसे फॉरगेट इट, ऐसे थोड़ी है। तो हम क्या कहेंगे उनको, क्या क्या रखा है इन पुरानी बातों में, छोड़ो ना छोड़ो। साथ वाले को कहते हैं छोड़ो, अपने मन को क्या कहते हैं, कभी नहीं छोड़ूंगे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट वी बिलीव एंड व्हाट वी से टू आवर ओन माइंड। जितनी अच्छी राय दूसरों को देते हैं कि छोड़ो ना, सामने वाला कहता है पता है उन्होंने मुझे क्या कहा, तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको क्या, छोड़ ना उसकी नेचर, छोड़, ये उनको राय देते हैं। अपने आप को क्या कहते हैं, मेरे को ऐसा कहा, इतना मैंने उनके लिए किया फिर भी उन्होंने मेरे को, तो द वे वी टॉक टू आवर सेल्फ विल डिसाइड वेदर वी आर गोइंग टू बी हैप्पी और इन पेन। द वे पीपल टॉक टू अस डज नॉट डिसाइड आवर हैप्पीनेस। लोग हमारे साथ अच्छे से अच्छा व्यवहार कर लें, लेकिन अगर हमने अपने आप के साथ सही बात नहीं की, हम खुश रहे नहीं सकते। लोग हमारे साथ बुरे ते बुरा व्यवहार कर लें, अगर हमने अपने आप के साथ अच्छी बात कर ली, हम सदा खुश रहेंगे। इट डज नॉट डिपेंड ऑन हाउ पीपल बिहेव विद मी, इट डिपेंड्स ऑन हाउ आई बिहेव विद माई सेल्फ।